आए हैं और मैं हूँ आपके साथ नेहा परिहार। 2 से 3 दिन पहले देखा गया था, यानी कि 1 तारीख को, जहां पूरा देश नया साल का सेलिब्रेशन कर रहा था, वहां दूसरी तरफ ट्रक ड्राइवर्स, बस ड्राइवर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। आखिरकार क्यों? बताते चले आपको कि केंद्र सरकार की तरफ से कार ड्राइवर्स और ट्रक ड्राइवर्स के लिए एक नया कानून बनाया गया है, जिसमें यहाँ पर हिट एंड रन का कानून है। हिट एंड रन के कानून में अगर किसी ट्रक ड्राइवर या बस ड्राइवर से कोई एक्सीडेंट हो जाता है, अगर वो वहां से भाग जाता है, तो उसके ऊपर 10 लाख रुपए जुर्माना और यहां पर 7 साल की जेल का यहां पर उनको जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसी बीच आपको बता दें कि ट्रक ड्राइवर्स ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तमाम राज्यों में धरना प्रदर्शन किया था और पूरे दिन के लिए ये प्रोटेस्ट चलता नजर आया था। लेकिन अगली ही सुबह केंद्र सरकार ने यहां पर ये कह दिया था कि इस कानून को अभी लागू नहीं किया जाएगा। लेकिन सवाल यहां पर ये उठता है, अभी लागू नहीं किया जाएगा लेकिन कभी तो लागू होगा, और ये जब भी लागू होगा ट्रक ड्राइवर दोबारा से प्रोटेस्ट करते नजर आएंगे। यहाँ ट्रक ड्राइवर्स की भी बात कहनी एक ना यहाँ पर सही है कि हम इतना पैसा और इतने सालों की जो सजा यहाँ पर रखी गई है, अगर हम यहाँ इतना पैसा जमा कर पाते तो हम ट्रक ड्राइवर ही क्यों करते। जिस बीच आपको बता दें कि यहाँ ट्रक ड्राइवर्स रोते बिलखते भी नजर आए थे। इसी को लेकर किसान संघ नेता यहाँ पर राकेश टिकैत का एक वीडियो सामने आया है, तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। धन्यवाद, जय हिंद संविधान। आज हम बात कर लेते हैं जो ट्रक ड्राइवर है उनकी जो हड़ताल चली हुई है, जो सरकार एक काला कानून लेकर आई है। क्या यहाँ पे बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां आएंगी जो ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में आएगी, उनकी साजिश है, या साजिश उनकी है जो बीमा कंपनी है उनकी साजिश के तहत ये हो रहा? क्या ये जो काला कानून आया इसमें वे ड्राइवर जो माल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, ट्रक गाड़ियां या ट्रक कौन चलाता है, वे गरीब आदमी जो अनपढ़ होते हैं, जो कोई काम उनको नहीं मिल पाता तो वे गाड़ी चलाने का काम कर लेते हैं बहुत भयंकर परिस्थितियों में, चाहे वो बर्फबारी हो रही हो, बारिश हो रही हो, अपना घर बार छोड़ के वे रोजी रोटी की तलाश में उन ट्रकों पर उस पर काम करते हैं। सरकार को चाहिए कि अगर कोई इंटेंशन, कोई एक्सीडेंट करा जा रहा है तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, वो जांच का हमारा सब्जेक्ट है। लेकिन क्या ये जिस तरह का कानून आया कल, जो आज गाड़ी वाले नहीं बोल रहे, क्या आज उनके पास में ये चीज़ें नहीं होगी, उनके उनके पास में नहीं होगा ये कानून, उन पर लागू नहीं होगा, उन पर भी तो लागू होगा ना, ये जब गाड़ियां खड़ी हैं यहाँ पर सब, ये कल कानून उन पर भी सब पे लागू होगा। क्या ये लोग जब जागृत होंगे, जब ये कानून छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी उस पर होगा? भारत सरकार चाहती है कि देश से छोटा ट्रांसपोर्टर खत्म हो, बड़ी बड़ी कंपनी आएगी, जो रेलवे लाइन है इस पे माल इस पे ज्यादा चले, कितने लोग बेरोजगार होंगे जो इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं, क्या कोई सड़क पर चलने को आज तैयार है? और देखो कितना खतरनाक व्यवस्था के, अगर कोई घायल या वो हो गया तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाएगा, जब एक्सीडेंट हो जाता है, जो भीड़ होती है, जो मॉब होता है, वहां पे भीड़ से बचने के लिए ड्राइवर भाग जाता है, या तो उसको भीड़ मारेगी या उसको कानून मानेगा, क्योंकि बगैर सलाह मशवरे के कोई चीज होगी तो उसका विरोध इसी तरह से होगा। हम सब लोग इनके साथ में हैं, पूरा संगठन इनके साथ में, क्योंकि सभी ये गांव, गरीब, किसान, आदिवासी परिवारों से ये लोग हैं जो अपना रोजी रोटी की तलाश में दूर दूर जाते हैं। सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। तो आपने यहाँ पर देखा कि जो किसान यूनियन संघ नेता है यहाँ पर, जो राकेश टिकैत है, वो ट्रक ड्राइवर्स के इस प्रोटेस्ट को लेकर क्या कहते नजर आए हैं। क्या कहना है आपका इस वीडियो पर, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, और देखते रहिएगा SPN9 News। धन्यवाद।